इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के नॉमिनेशंस जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। इस बार किसको एंटरटेनमेंट की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। तो एक साथ 7 लोगों को, जी हाँ, नॉमिनेट किया गया है एंटरटेनमेंट कैटेगरी के लिए। तो नॉमिनेशन फॉर इंटरनेशनल आइकॉनिक बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2021, एक है एजाज खान, इसके बाद जो है रुबीना दलेक, जासमिन भसीन, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला, अर्शी खान और राहुल वैद्य। हालांकि मैं सरप्राइज हूँ कि इसमें राखी सावंत का नाम नहीं है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी डिक्लेयर की गई है, इन लोगों ने 7 लोगों के बीच में मुकाबला है, तो ये देखना होगा कि लोग किसको सबसे ज़्यादा जो है वोट देते हैं। अगर कमेंट्स में मैं पढ़ूँ तो 15 घंटे पहले जो है इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इन 7 में से किसी एक को मोस्ट एंटरटेनर का अवार्ड दिया जाएगा ईयर 2021 का, जिसमें जैस्मिन वी नॉमिनेट रुबीना दलेक, रुबीना जैस्मिन। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला लग रहा है अगर मैं शुरू के जो है कमेंट्स पढ़ूँ तो 7 लोगों के बीच मुकाबला है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड में एजाज खान, रुबीना दलेक, जैस्मिन भसीन, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला, अर्शी खान और राहुल वैद्य। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से किस कंटेस्टेंट ने आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।